खैर चलिए आइए आपके मुद्दे पे बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट पेज नंबर इनका है 24 पैरा नंबर 5 कहते हैं कि हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट बाय माइनॉरिटीज की जुडिशियल अपॉइंटमेंट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? सिर्फ माइनॉरिटीज की जुडिशियल अपॉइंटमेंट हम त्याग कर क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि आपको जजमेंट ठीक अपने हिसाब से लानी है। जजमेंट आप टीचर की बात नहीं करें, आप इंजीनियर बनाने की बात नहीं करें, आप जज बनवाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं कोर्ट के फैसले हम जिस संघ से जो चाहिए हमने अफजल गुरु के पक्ष में या किसी और के पक्ष में चाहिए तो हम फैसले उस संघ से लेकर आएंगे। मतलब इस प्रकार की सोच है। अब उन्होंने वाजपेयी जी ने आपको रिजिस्ट्रेशन और वेल्थ की बात की, जरा कृपा कर माननीय राहुल गांधी जी का बयान सुन लीजिए जो उन्होंने सुनवा दीजिए, अच्छा रहता। आप सुनाया नहीं आपने, बाकी सब तो सुना दिया, मोदी जी का सुना दिया आपने, माननीय राहुल गांधी जी का नहीं सुनाया। जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि हम ये रहा बयान, उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रव्यापी जन जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये स्पष्ट है, ये तो उनका बयान है, ये उनके उनकी स्पीच है। उन्होंने 8 अप्रैल को स्पीच दी हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर। तो वेल्थ सर्वे अगर कराया जाएगा आरपी सिंह, इसमें मुसलमान कहां से आ गए? मैं अभी आ रहा हूं, एक मिनट आपने बात की ना, सारे बात का पक्ष तो सारे पक्षों को आपको चिंता करनी जरा। अच्छा अब आ जाइए, आपने कहा कि क्या करेंगे, आर्थिक जनगणना भी लिखी है उसमें, ये उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 6 में पैरा नंबर 1 में है। मैं एक एक आज आपके लिए, मुझे पता क्या अच्छा होमवर्क करती है, मुझे थोड़ा होमवर्क अच्छा करना पड़ रहा है आज इसलिए आपके साथ। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी इनका पैरा नंबर पेज नंबर 28 पैरा नंबर 21 के अंदर है, तो ये सब उनके मैनिफेस्टो के अंदर दर्ज है। और जहाँ आपने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कहा था, यार वो भी सुनवा देते हैं आपको, अभी सुन लीजिए आप। माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज, तो वो एक आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, वो क्या चाहते हैं? हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहीं मुस्लिम नाम नहीं लिया, परंतु वो ट्रैक रिकॉर्ड आपने कहा तो मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज का पहला राइट होगा, पहला राइट मुस्लिम माइनॉरिटीज का होगा। अरे मैं माइनॉरिटी, अरे मैं देश में 80 माइनॉरिटी सिख है, 80 माइनॉरिटी सिख है, माइनॉरिटी मुसलमान मेजोरिटी है, इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी मेरे हिसाब से। आप उनको माइनॉरिटी गिनती में गिनते, आप सीधा जंप आउट कर गए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। मैंने सवाल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर पूछा ही नहीं। अजय वर्मा बैठे, मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर। सारी बात मुझे आरपी सिंह मुझे ठीक है, उन पर शुरू हुई उन पर खत्म कर देते हैं। आरपी सिंह मुझे ये बताइए कि जिस देश को आप 10 साल से चला रहे हैं, उस देश में अगर आप बकौल आपके, आपने कहा कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिमों के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है, तो आप इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर क्यों आ गए कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने लगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहने लगे? 10 साल से सत्ता है आपकी, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, परंतु मैं एक कागज वो लेकर आऊँ, ये कर्नाटका की सरकार का कागज है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ये आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा, और ये ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन AR रमीन ट्रस्ट है जो कह रही है कि अगर चाहोगे तो 3 लाख तक का 50% जो लोन है वो सरकार उसको देगी। ये ऑटो लोन्स के लिए है, तो मुद्दे पर नहीं है आरपी सिंह। मैं अरे आ रहा हूँ ना आपके उत्तर, नहीं आप बिल्कुल मुद्दे पर नहीं है आरपी सिंह। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो समझिए, और हमने कहीं नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है। वो आपके जब वो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो बेसिकली आपकी वेल्थ, कल जिस चैनल पर मैं बैठा हूँ, कल शुक्ला जी का, राजीव शुक्ला जी का चैनल वेल्थ के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर, और यहाँ पे बांट देना सबके बीच में, ये ऐसे कहाँ होगा क्या कोई? अरे देश में एंटरप्रेन्योरशिप, देश में इकोनॉमी का एक प्रोसेस नरसिम्हा राव जी ने शुरू किया, आरपी सिंह। हिंदू मुसलमान पर मैं बाद में अब आऊंगी, 80-20 पर मैं बाद में आऊंगी। मुझे बताइए कि इस देश में जिस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं, अडानी का वेल्थ बढ़ता है 48% के हिसाब से, अडानी का 63% के हिसाब से, 63% के हिसाब से, अंबानी का वेल्थ बढ़ता है 48% के हिसाब से, आम आदमी का वेल्थ बढ़ता है 5% के हिसाब से। ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपको गलत नहीं लगता कि इस देश का गरीब और गरीब होता जाएगा, इस देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जाएगी, ये गलत नहीं लगता आपको? क्योंकि सीधे आपको हिंदू मुस्लिम की टर्फ पर उतर जाना है।
मैंने तो हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया, आप ही हिंदू मुस्लिम कही जा रही हैं, परंतु ये जो ये मेरा नहीं, ये किसी चैनल में नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दूसरे चैनल में बैठा हूँ, दूसरे चैनल के एक नंबर मतलब अच्छे ऊपर के जो चार पांच चैनल उनमें से एक चैनल के उसने उसको ट्रांसलेट किया, वो कह रहे हैं कार्ल मार्क्स बने राहुल गांधी, संपत्ति बंटवारे का फॉर्मूला लागू, देश और कांग्रेस कहाँ ले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है, पर ऊपर के आपके जैसे ऊपर के चार चैनलों में से एक चैनल है जो स्पष्ट है कि आप क्या थ्योरी देना चाहते हैं। ये जो आपके आसपास राहुल गांधी जी के आसपास जो लेफ्ट ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस के आइडियोलॉजी के जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित लोग बैठ गए हैं, वो ये चाहते हैं कि संपत्ति खोसो, संपत्ति बांटो, ये द्वारा से देश में आप अराजकता लाना खड़ी करना चाहते हो क्या? मेरे दो बड़े प्रसाई सवाल थे आपसे, अफसोस, एक मिनट, आप रिसीशन के, आप किसी एक बात पे तो ठीक है ना, गोल पोस्ट बदली जाएंगे, गोल पोस्ट का उत्तर नहीं लेंगे।